डीजी ज्ञान क्लासेस की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस जीके की अथाह संसार में डीजी ज्ञान क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर दें और ले जाएं अपनी तैयारी को नए मुकाम पर। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट स्कोर जरूर बताइए। दोस्तों, हम लोग 5 मिनट में 25 सवाल कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका? तो इसका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका देश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, जिसको हम लोग सुपीरियर लेक बोलते हैं, ठीक है, सुपीरियर लेक, ये लेक नॉर्थ अमेरिका में है। फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट वाटरफॉल। तो हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल वाटरफॉल, द एंजल वाटरफॉल, ये वेनेजुएला में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक बताना है तो है ये एकॉन गुआ, एकॉन गुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछते हैं। फिर ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेट सैंडी डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और भी डिजर्ट है जैसे कि गिब्सन है, विक्टोरिया है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं आपके। ठीक है, इसका आंसर अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइटल गिवेन टू कुषाण डायनेस्टी किंग कनिष्क? तो कुषाण वंशीय राजा कनिष्क को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है पोइट वत्सल, अमित्रघाट, देवनाम प्रियदर्शनी और देवपुत्र। तो दोस्तों, कुषाण, आपको बताना है कुषाण डायनेस्टी के किंग कनिष्क का क्या टाइटल था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुषाण डायनेस्टी के जो किंग है उनका टाइटल था देवपुत्र। देवपुत्र इसका राइट आंसर है। देव प्रियदर्शनी अशोक का टाइटल था। ठीक है, ये देव प्रियदर्शनी अशोक का। अब है अमित घाट, ये अमित्र घाट है बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार, ये एग्जाम में, ये इस टॉपिक से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अराइज होता ही है। फिर है पोइट वत्सल। तो पोइट वत्सल के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। पोइट वत्सल का टाइटल दिया गया था हल, ये कौन से डायनेस्टी से थे? ये सतवाहन, सतवाहन डायनेस्टी के थे, सतवाहन। फिर इधर जान लेते हैं, विचित्र चरित, ये किनका टाइटल दिया हुआ था, किनको ये विचित्र चरित्र का टाइटल दिया गया था? तो ये दिया गया था महेंद्र वर्मन को। ठीक है, महेंद्र वर्मन को, एम एम फर्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट को। और आपको बताना है महाराजा धीराज, तो महाराजा धीराज का टाइटल किसको दिया गया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ठीक है, अब है हमारा शिलादित्य। शिलादित्य किसको दिया गया था? तो हर्षवर्धन, शिलादित्य हर्षवर्धन। फिर नेक्स्ट है कविराज। कविराज का टाइटल किसको दिया गया था? तो कविराज का टाइटल समुद्रगुप्त को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? रोम किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है, आपके ऑप्शन है टाइबर, स्प्री, पोटोमैक, अराकावा। तो दोस्तों, रोम टाइबर नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये स्प्री नदी के बारे में जानते हैं तो स्प्री बर्लिन, ठीक है, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा बसा है। फिर है हमारा पोटोमैक। तो पोटोमैक वॉशिंगटन अमेरिका, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी, वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन बसा है पोटोमैक रिवर पे। फिर है अराकावा, अराकावा बसा है टोक्यो, टोक्यो बसा है अराकावा नदी के किनारे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इधर आपका लिवरपूल। तो लिवरपूल के बारे में बताना है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में लिवरपूल किस नदी के किनारे बसा है? तो मैं आपको बता दूं, लिवरपूल मर्सी, मर्सी नदी के किनारे लिवरपूल बसा है। फिर नेक्स्ट है मॉस्को, मॉस्को कहाँ है? रशिया में। तो ये मॉस्को किस नदी के किनारे बसा है ये बताना है। तो मॉस्को बसा है मस्कावा, मस्कावा। फिर आपका बेलग्रेड, बेलग्रेड के बारे में बताना है। तो बेलग्रेड हो गया आपका डेन्यूबे रिवर, डेन्यूब रिवर, बेलग्रेड हो गया, बुडापेस्ट हो गया, वियना हो गया, ये सब डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। फिर नेक्स्ट है खार्तूम,
तो बताइए खारतून किस नदी के किनारे बसा है? तो खारतून बसा है नाइल, नील रिवर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? हैदराबाद कौन से नदी के किनारे बसा शहर है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, मूसी, कावेरी। दोस्तों मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा एक शहर है। और हम लोग जान लेते हैं ये नासिक, नासिक किस नदी पर बसा एक शहर है? तो नासिक के बारे में बताना है, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए नासिक किस शहर के किनारे बसा है। फिर नेक्स्ट है हमारा श्रीनगर, श्रीनगर के बारे में बताइए किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर के बारे में बता देता हूँ, ये झेलम, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा है। फिर जमशेदपुर के बारे में बताना है, तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे बैठ बसा है? वो है सुबर्णखा, सुबर्णखा। फिर नेक्स्ट है बेलूर, बेलूर बसा है यांगची नदी के किनारे, यांग छी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको रक्तदाता दिवस, डोनर डे, ब्लड डोनर डे के बारे में बताना है। तो ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 7 जून को नेशनल फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, NFSD लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 5 जून को इन्वायरमेंट डे, आप लोगों को पता ही होगा अभी इन्वायरमेंट डे हुआ था। फिर 21 जून है, तो 21 जून को क्या मनाते हैं बताइए? 21 जून को योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा दिवस। ठीक है, अब जान लेते हैं 3 मई के बारे में, 3 मई को क्या मनाते हैं? तो प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई को कौन सा डे मनाते हैं? तो 8 मई को रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 17 मई को, 17 मई को वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे मनाते हैं। और बचा हमारा 12 मई, तो 12 मई को मदर्स डे मनाते हैं और इंटरनेशनल नर्सेस डे। ये हो गया आपका डे से रिलेटेड, मई और सारे जून के कवर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 5 मिनट में 25 सवाल। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे वीडियोस के लिए। दोस्तों धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हमारे डिजी गैल से जुड़े। धन्यवाद।